जनपद कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र ग्राम राजारामपुर के वीरेंद्र सिंह ने तालाब का किया अवैध कब्जा। ग्रामीणों का कहना है 70 वर्षों से तालाब में गांव का गंदा पानी आता है, उसी से गांव स्वच्छ रहता है। जब प्रधान ने तालाब की खुदाई के बारे में कहा तो वीरेंद्र ने उस पर विरोध किया। प्रधान का कहना है कानूनी तौर से कागजों को देखा जाए तो जहां तालाब है वह सरकारी जगह है। डीएमएसडीएम से भी प्रधान ने बात की लेकिन उन्होंने भी तालाब का ही जिक्र किया। गांव में पानी का निकास न होने से ग्रामीणों में फैला रोष, खलिहान की बात कह करके तालाब को अवैध तरीके से किया कब्जा। एक तरफ पूरा गांव 150 लोग कह रहे हैं कि यहां पर बरसों से तालाब ही था और तालाब ही रहेगा, लेकिन एक या दो परिवार के लोग दबंगई से तालाब को कब्जा कर लिया है और अपना पीछे का पुराना मकान छोड़कर आगे तालाब में मिट्टी डालकर तालाब को नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है जब तक तालाब की सफाई नहीं होगी तब तक हमारे घरों से निकलता है वो पानी तालाब में ही जाना चाहिए। सौरिक विकास खंड की ग्राम पंचायत बहादुरपुर मझगवा के मजरा राजारामपुर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने तालाब को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। ग्राम प्रधान अनया यादव के पिता मृदुमंगल सिंह यादव ने पंपिंग सेट द्वारा पानी निकलवा कर तालाब खुदवाने की बात कहकर ग्रामीणों के चेहरे खुश कर दिया। कन्नौज से श्याम प्रजापति की खास रिपोर्ट। उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर है फिर भी अवैध निर्माण जारी रखते हैं। ग्रामीणों का कहना ये भी है जो मकान बना हुआ है ये भी इनकी जगह ये भी मतलब अवैध है, है। ये भी ग्राम सभा की जमीन में बनाया हुआ है वो जो तालाब के उसमें आती है जगह। ओके ठीक है। शीला यादव, इस गांव में जो समस्या आ रही है तालाब को लेके उसमें तालाब का क्या मसला है? इसको लोग जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि ये खाद गड्ढे हैं। जी जी ठीक है। तो उसको खाद गड्ढे तो देखने में तो स्थिति ऐसी नहीं नजर आ रही है कि ये खाद गड्ढे हैं, देखने में सीधा तालाब नजर आ रहा है, लेकिन यही लोग उस पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। जब जब हमको ग्रामीणों की तरफ से शिकायत मिली तो मैंने SDM महोदय को अवगत कराते हुए इनका कार्य रुकवाया और कार रुकवाने के बाद जब मैं इन लोगों को थोड़ा पूछने का प्रयास किए तो बोले मैं रास्ता बना रहा हूँ अपना। जो मैंने रास्ता के लिए कहा मैं रास्ता आपका बना के मैं कायम करूँगी, आप उस पर अवैध निर्माण ना करिएगा। अगर आप अवैध निर्माण करते पाए गए तो आप कठोर कार्रवाई के घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि ग्रामीणों की ये जो मांग है पूरा गाँव एक तरफ है और अकेले आप अपनी अकेले अपने सर पर ढोके करीब हर साल 20-30 ट्राली मिट्टी डाल लेते हैं और डाल के पूरा अपना बाउंड्री वाल उसी के अंडर में बनाया। जब लेखपाल महोदय की तरफ से पैमाइश की गई तो इनकी पत्नी इनके बच्चों ने जरीब खींच के उनके ऊपर मारने का प्रयास किया। प्रधान को लेके आई, मैं प्रधान की माँ हूँ और प्रधान को लेके आई तो इन लोगों ने उनके ऊपर भी हमला किया। हमला करके बचाव करते हुए हम और लेखपाल महोदय तो और ग्रामीणों की समस्या जानकारी लूंगा। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि ये जो समस्या आ रही है कि आपने किसी अधिकारी को सूचना दी? मैंने यहाँ से लेके SDM महोदय के पास तो ग्रामीण ही लोग पहुँचे थे, लेकिन जिलाधिकारी के पास मैं खुद प्रधान को लेके पहुँची और मैंने उनको अवगत कराया सारी बातों को गाँव को हित में रखते हुए, क्योंकि पीछे इसके पीछे आप पहुँचिएगा तो वहाँ बहुत जल भराव है जबरदस्त और यही लोग उसको नाले को बंद किए हुए हैं, जगह जगह नाले के ड्राम लगाए हुए हैं कि मेरे तरफ गड्ढे में पानी नहीं आना चाहिए। तो मैं केवल शिकायतकर्ताओं से ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये ग्रामीण सभा की खाद गड्ढे ही हैं, खलियान गड्ढे हैं, तो इनका उसमें क्या है?